आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर और मैं हूँ शशि राणा। जी हाँ, जिस जगह हम खड़े हैं इसे हर की पौड़ी कहा जाता है। सावन का महीना चल रहा है जैसा कि आप सब जानते हैं, और सावन के महीने में जो है गंगा स्नान का अपना ही एक महत्व बताया जाता है। जी हाँ, सावन के महीने में जो श्रद्धालु हैं वो अक्सर कांवड़ में कांवड़ के जरिए उसमें गंगा जल भरकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, और कहा जाता है कि सावन के महीने में जो शिव आराधना है वो ज़रूर सक्सेसफुल होती है, क्योंकि शिव जी जो है सावन के महीने में अत्यधिक अपने भक्तों से प्रसन्न रहा करते हैं। तो आइए सावन के महीने के गंगा स्नान के महत्व के बारे में यहाँ के लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उदय पारानंद जी है। उदय पारानंद जी, तो ये जो गंगा स्नान के लिए आप आए हैं तो इसके महत्व के बारे में बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल बताएंगे। ये गंगा का ये महत्व है कि सावन के महीने में ये महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसको सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, इसीलिए लोग कांवड़ भी चढ़ाते हैं, लेकिन इस वक्त कोरोना की खातिर कांवर बंद है, इसलिए लोग स्नान की खातिर आ रहे हैं। और महाशिवरात्रि के दिन गंगा का जल चढ़ाया जाता है, इससे ऐसे मनुष्य के पाप पुष्ट हो जाता है, क्योंकि शंकर भोले में सारे देवों ने कृपा करके सारी सृष्टि की मालिकी उन्हीं से रोकी गई है। ये महाशिवरात्रि इसीलिए आती है, सावन के महीने में इसीलिए शिवजी की जाती है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु भी हो जाते हैं और भगवान शंकर के ही दरबार के लिए सौंप दिया जाता है सारा कार्यक्रम। ये है इसका महत्व, इसीलिए लोग आजकल लोग सब ही ये सृष्टि के वो शंकर भोले की पूजा करते हैं, और शंकर भोले की खातिर महाशिवरात्रि के पर्व होते हैं और उन्हें पैसा करते हैं। यही इसका सबसे बड़ा महत्व है और सीधा इंसान मुझ को जाता है। तो जैसे यहाँ पे इस बार जो लोग आए हैं वो पहले की अपेक्षा कम आए हैं या ज़्यादा है? पहले की अपेक्षा यहाँ पर लोग बहुत कम आए हैं, ना के बराबर हैं, कुछ भी नहीं है, और ये कोरोना की खातिर सब सील कर दिया गया है बॉर्डर, इसीलिए लोकल लोग हैं, वैसे कोई यहाँ काम नहीं है। कितने 50% कम हुए हैं? कितना परसेंट आने लोग? 50% रहेंगे, 20% भी नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल भी खाली समझो, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल खाली दरबार है। ये तो आज दरबार का दिन है, इसीलिए लोग थोड़े बहुत लोकल दिखाई दे रहे हैं, वरना ये सिंगल आदमी भी नहीं। तो देखिए कोरोना काल का इस महास्नान पर कितना असर पड़ा है ये आपने देखा है। कहा जाता है कि गंगा स्नान का जो सावन का महीना है गंगा स्नान के लिए इसलिए महत्व भी रखता है कि भगवान श्री राम ने भी कांवड़ में लेकर पहली बार जो है जो भगवान महादेव हैं उनके शिवलिंग पर को गंगा स्नान करवाया था। लेकिन बहुत सारी किंवदंतियों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि सबसे पहले जो है भगवान परशुराम ने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया था। कहा जाता है कि बागपत का जो एरिया है वहाँ गढ़मुक्तेश्वर का जो एरिया है वहाँ से उन्होंने महादेवा के ऊपर जो है शिवलिंग पर जो है वहाँ से लाकर जल चढ़ाया था। आइए देखते हैं और लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं कि वो गंगा स्नान के महत्व को किस तरह से देखते हैं। हाँ मैडम, क्या नाम है आपका? तारा। कहाँ से आए हो आप? वैशाली, मध्य प्रदेश? नहीं, गाजियाबाद। गाजियाबाद। अच्छा मैडम, जो आप स्नान करने आए हो क्या गंगा स्नान के बारे में कुछ बताओगे आप? गंगा स्नान का अपना ही एक महत्व है, इसके लिए देखो सारी दुनिया आती है, देश विदेश से लोग आते हैं, और हमारी गंगा सबसे पवित्र मानी जाती है, लाखों लोग दर्शन करने के लिए। तो जो जैसे सावन का महीना चल रहा है तो इसमें कहते हैं कि शिव भक्ति जो है, शिव आराधना है, वो बहुत महत्व लाती है, तो क्या कहेंगे आप? हाँ वो तो है, उसमें तो कोई वो बात ही नहीं है कि शिव जी की आस्था है, पर कोरोना के कारण आजकल ये सब चीज़ संभव नहीं हो रहा है। तो कांवड़िए नहीं आ रही? हाँ कांवड़िए नहीं आ रही, और फिर ये सेफ्टी के लिए भी है लोगों की, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि इन फ्यूचर तो आगे लॉकडाउन का। इस बार क्या मैडम आपको ऐसा नहीं लगता कि गंगा बहुत ज़्यादा गंगा में गंदगी है? हाँ गंदगी तो है, पर अब क्या कर सकते हैं, देखो अभी तो कांवड़िया भी नहीं आए इस साल में, तो कांवड़िया आते तो फिर गंदगी तो और होती ना।
कि जो गंगा है वो एक पवित्र ऐसी नदी मानी जाती है, जो कि पौराणिक वक्त से है, जो शिव आराधना का प्रतीक भी मानी जाती है। लेकिन यही आराधना की प्रतीक ये गंगा पूरी तरह से जो है हिमाचल में हुई लगातार बरसात की वजह से जहां एक और मटमैली हुई है, वहीं यहां के प्रशासन की अनदेखी के चलते गंगा का बुरा हाल है। घाटों पर जो है गंदगी फैली हुई है। हालांकि यहां पर जो है आने वाली भीड़ में 20% भी भीड़ जो है यहां पर नहीं आई है, उसके बावजूद प्रशासन ने गंगा सफाई की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। जबकि बीजेपी सरकार आने से पहले गंगा सफाई, धर्म, इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ कहती आई है, लेकिन असलियत जो है गंगा घाट पर आकर आपको दिखाई दे जाएगी। तो और ताज़ा खबरों के साथ बने रहिएगा, तब तक मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। राष्ट्रीय खबर, शशि राणा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।